कर रहे हो? नहीं, मैंने वो टैक्सी बुक की थी तो उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है। दूसरी टैक्सी मिल जाएगी? या श्योर श्योर, आई विल ट्राई। शिवपुरा सर, आपका गांव ड्रॉप कर दें ना, जनता की सेवा, जनार्दन की सेवा। कोई बैकग्राउंड आवाज नहीं आ रही है? नहीं नहीं, ठीक है, बैठा लो, बैठा। अच्छा अच्छा, आ जाइए बहन जी, बैठ जाइए। ओ भाई, कौन है ये लोग, किसका बेटा है? सर, आप किसके बेटे हैं? सर, आप प्रेमा जी का बेटा हूँ। थे आप तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे करोड़ों की लॉटरी लग गई हो। इनके साथ शादी होती तो अच्छा था, तुम नहीं समझोगे, चुप रहो। ओ, 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 ओ। सर, आप किसके मतलब किस चीज के डॉक्टर हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। मेरी दीदी के लिए डॉक्टर का ही रिश्ता ढूंढ रहे हैं। क्या बहन जी, सारी लड़कियां डॉक्टरों से ही शादी करेंगी तो हम जैसे ड्राइवरों को खुद रोटी बनानी पड़ जाएगी। बहन जी, बहन जी, आपको शायद पता नहीं आप क्या बोल रही हैं। ऐसे क्यों बोल रही हो? मरीजों की ही सोचते हैं, बीवी के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं रहता ऐसे डॉक्टर्स के पास। स्टॉप इट सीधा। ए, मैंने तुम्हें रुकने के लिए नहीं बोला है, चलो। सर, मैंने नहीं रोका है, गाड़ी ऑटोमेटिक अपने आप रुक गई। कोई प्रॉब्लम हुई है लगता है? आप लोग इस पे बैठे बोर हो जाएंगे, दो चार कदम आप लोग घूम आइए, तब तक मैं फटाफट इस गाड़ी को आपके लिए रेडी कर देता हूँ। यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? वो नारियल का पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, वहाँ से पानी। ठीक है, चलो। कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं घर कैसे जाऊंगी? आगे चौराहा है, वहाँ कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जाइए। ए, जरा उधर देख, खूबसूरती की रानी है रे। साड़ी में ऐसे लिपटी है जैसे कोई अप्सरा हो। उसका बदन तो मक्खन की तरह मुलायम दिख रहा है यार। Yes. खाले मक्खन। रुको जरा, वो लोग क्या कह रहे हैं, तुम्हें सुना नहीं दे रहा? Something like मुलायम मक्खन। उसका मतलब जानते हो? Just a second. ये तुम क्या कर रहे हो? गूगल में देख रहा हूँ। अरे मेरी किस्मत, वो उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन मतलब तो समझना होगा ना। मतलब उनका कहना है कि मैं हॉट दिखती हूँ। Okay. और मैं गजब की हूँ ऐसा कह रहे हैं। Nice compliment. ये कोई compliment नहीं, comment है। Oh, is it? राम, वो comment क्यों कर रहे हैं ये उनसे नहीं पूछोगे? Just a minute. ए, देख वो आ रहा है। यहाँ किसी ने मेरी बीवी पर comment किया था क्या? ये हमेशा ऐसा ही करता है, आने जाने वाली सब लड़कियों पर comment करता रहता है। सब पर comment करता रहता है? ये इसकी कमजोरी है सर। इस तरह हर किसी पर बिना control comment करने का मतलब है, yes, it's a neurological fibromatosis. It's a disorder. हमारे ब्रेन के चार पार्ट्स होते हैं, रिसीविंग, स्कैनिंग, एक्टिंग एंड रिएक्टिंग। उसमें से किसी एक ने सही काम नहीं किया तो इस तरह होता है। तुम सबसे पहले इसे अपने साथ ले जाओ और किसी न्यूरो स्पेशलिस्ट को दिखाओ, सब ठीक हो जाएगा। ले जाओ, उसकी फीस भी बहुत कम है। सीता, उसने जानबूझकर कमेंट नहीं किया था, उसे तो न्यूरो। सर, गाड़ी रेडी है। अब सीता, गाड़ी। अरे तो डॉक्टर भैया हैं, गाड़ी में चढ़कर आए हैं। तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है और साइंस में अव्वल आना है। अरे रुको, अरे तुम्हें कहीं नहीं जाना है, पहले दूध पियो। जल्दी दूध पियो, स्कूल जाना है कि नहीं? मालिक, क्या है? फॉरेन से डॉक्टर भैया और सीधा मेम साहब आ रही है। रामू आ रहा है, वो अभी कैसे आ सकते हैं? सच कह रहा हूँ, उन्हें स्कूल के पास देखा। प्रेमा बहन, आपके बेटा और बहू यहाँ आ रहे हैं। सीताराम आ रहे हैं? मुझे बताया तक नहीं उन्होंने। आपको देखने के लिए आ रहे होंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद अमेरिका चली जाती। इस उम्र में भी फॉरेन टूर जाने का शौक चढ़ा भाई से। हाँ?
ये लो आ गए। कैसे हो राम? बिना इन्फॉर्म किए चले? कैसे हैं? सब ठीक है? सब ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई रास्ते में। सीता कैसी हो बेटी, अच्छी लग रही हो। रामू तुम कैसे हो? आई एम फाइन माँ। बिना बताए कैसे आना हुआ? वो सरप्राइज देना चाहते थे क्या? ऐसा कुछ नहीं है, सीता को मुझसे अलग होना है, आई मीन डिवोर्स। सीता? सिर्फ सीता को डिवोर्स चाहिए? तुम्हें नहीं चाहिए? मम्मी को सच बताने के बाद फैसला करेंगे, इसलिए यहाँ आए हैं। सीता को डिवोर्स चाहिए, सीता को। But first you said no. So what? You agreed no? But it was your idea. It was your idea too. बस करें। ये क्या है रामू, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? नहीं नहीं। फिर ये डिवोर्स क्यों? माँ वो ये मुझसे हमेशा अकड़ के ही बात करती है। घर में रहूं तो गलत, हॉस्पिटल रहूं तो गलत। हॉस्पिटल में रहा तो कहती है घर आ जाओ, घर में रहा तो कहती है वहां मत जाओ। I really can't understand her. She has everything at home, you know. सही कह रहे हैं, सब कुछ है घर में, मगर ये नहीं है। दुनिया की हर चीज लाकर दी है मुझे, पर अपना प्यार नहीं दे सके मुझे। मैंने कभी इनसे बड़ी चीजों की मांग नहीं की, यही चाह कि कभी प्यार से कह दें कॉफी अच्छी बनी है, बस ऐसी ही बातें। ऑफिस जाने से पहले बस एक हग दे दें, एक बार पूछ लेते सीता खाना खाया या मैसेज कर देते। अब आप ही बताइए माँ जी। यूएसए में 5 टॉप सर्जन्स में से एक हूँ मैं। लैब, रिसर्च, ट्रीटमेंट, काम इतना रहता है कि मैं अपना खाना तक भूल जाता हूँ। ऐसे में मैं इसे कहाँ से मैसेज करूँ? माँ जी मैं भी एक औरत हूँ, मेरे सीने में भी दिल है, किससे अपने मन की बातें करूँ बताइए। गूंगी बन के घर में पड़ी रहती हूँ, इतनी दूर रहकर मैं अपने पति के अलावा और किससे बात करूँ, आप ही बताइए। हाँ तुम्हारी बात तो सही है, मैं बहुत परेशानी से गुजर रही हूँ। इस साल मेरा बर्थडे कैसा बीता पता है राम? या? आज मेरा बर्थडे है। ओह, यस्टरडे इज वर्ल्ड कैंसर डे, नेक्स्ट डे इज योर बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सीता। आज एक दिन मेरे लिए छुट्टी नहीं ले सकते तुम? आई एम रियली सॉरी सीता, एक इम्पोर्टेंट केस है। इवनिंग टेंपल नाइट डिनर, ओके? या, ओके, आई विल कम। राम, प्लीज भूल मत जाना, 3 सालों से यही कहती आ रही हूँ। ओह श्योर श्योर, आई विल कम। भूलना मत, आई विल कम। जल्दी आ जाना। उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। डॉक्टर राम, वो बेबी बहुत सीरियस है। लेट मी सी। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। राम पता है कितनी बार कॉल किया मैंने? ओह आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट माय फोन। ओह तो फोन भूल गए। अच्छा हमेशा ऐसा ही रहेगा? हाँ, वर्क वर्क वर्क, क्या करोगे इतने पैसे कमा कर? सीता जॉब सिर्फ मैं पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, अ डॉक्टर हैज अ रिस्पांसिबिलिटी, कितनों की जिंदगी हमारे हाथ में होती है। लेकिन मेरी जिंदगी भी तुम्हारे हाथों में है राम, 3 सालों से कितना घुट घुट कर जी रही हूँ पता है। तुम्हें अगर घुटन फील हो रही तो तुम कोई जॉब ढूंढ लो, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। ओह यू नॉट गेटिंग माय पॉइंट, उससे खालीपन दूर नहीं होता, अपनों से होता है। तुम क्या कह रही हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इट्स ऑल अबव माय थॉट्स। ना समझ आने जैसी इसमें कोई बात नहीं है, ऐसे लड़ने से तो अच्छा है कि हम दोनों अलग हो जाएं, कोई मतलब नहीं इस साथ का। तो फिर वही सही। ठीक है डिवोर्स ले लेते हैं। तुम्हारी इच्छा है तो ले लेते हैं। गांव जाकर मेरी माँ को बताना होगा। इतनी छोटी सी बात के लिए डिवोर्स लोगे? माँ जी मैं आपको एक बात बताती हूँ, पति होना क्या है ये मेरे पति नहीं जानते। हम पास रहकर भी अजनबियों की तरह जीते हैं। I don't understand this at all. तुम्हें किस तरह से समझाना ये मैं जानती हूँ। चलो तुम अंदर जाओ। पता भी है क्या चल रहा है? देख रहे हैं ना आप? वो आपके जैसा न बने, आपकी आदतें ना सीखे, आपकी आंखों के सामने कभी ना रहे, इस बात का हमेशा पूरा ख्याल रखा है मैंने, समझे? जब तक जिंदा रहे सबको अपने आसपास घुमाते रहे, हमेशा सबको उल्लू बनाते रहे। एक बार मेरे सामने आ जाइए फिर बताती हूँ आपको, जान ले लूंगी आपकी। इस दुनिया में कहाँ है आप? आपने जिस तरह के काम किए ना नर्क में ही होंगे। किसी की उम्र लाख वर्ष की क्यों ना हो,
हर किसी को यहाँ पर अंततः आना पड़ता है, लेकिन कन्याओं को मोहित करने वाला ऐसा मनचला जादूगर मैं पहली बार देख रहा हूँ। Beautiful. Oh my sweetie, milk. उपेंद्र राज जी, यहाँ की सारी कन्या को तो आपने माया जाल में फंसा रखा है, इसलिए दूसरी कन्याओं को भेज रहे हैं आपको सजा देने के लिए। मुझे सजा देना इतना आसान नहीं है। ए, तुम सबने मेरे साथ बहुत धोखा किया है। हमने? और क्या, रंभा, उर्वशी, मेनका सब स्वर्ग में रहती हैं, वो यहाँ नर्क में नहीं आ सकती, ऐसा ही कहा था ना? हाँ। पर वो सब तो नर्क में ही हैं। तूने भी एक मिनट में फंसा लिया गुरुजी। प्यारी कन्याओं, मैं यही हूँ, शेक हैंड, शेक हैंड, कम ऑन, कम ऑन। उपेंद्र राज, यमराज जी, आइए आइए, क्या बात है, अभी तक स्वीटी आप ही के बारे में बात कर रही थी। वो कौन है? स्वीटी, ये भी ना। जब से तुम यहाँ आए हो, यहाँ की कन्याओं के चरित्र को बदलते जा रहे हो, अपनी माया का खेल यहाँ भी दिखा रहे हो, इन सब के साथ तुम्हारा ये व्यवहार सृष्टि के विरुद्ध है। यमराज जी, आप मेरी दृष्टि से देखिए, सुंदरता मानव के मुख में नहीं होती है, उसके हृदय में होती है। Am I right? Am I right, baby? मेरी बात सुनकर हंसी आ रही है आपको? देखिए, मुझे गुस्सा आ रहा है, हंसना बंद कीजिए। हंसिए मत उपेंद्र राज। मैंने कहा हंसिए मत उपेंद्र राज। तो तुम्हें कुछ सुनाई दिया क्या? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं सुनाई दिया। ओए चित चोर, झूठ क्यों बोलते? सुनाई दिया। पिता यमराज जी, मेरे पतिदेव को एक बार नीचे भेज दीजिए, टांग काट कर ऊपर भेजूंगी। तुम्हें वापस भेजने के लिए कह रही है, जाओगे उसके पास? नहीं, क्यों इतना दूर भेज रहे हैं, मैं यहाँ ठीक हूँ। तुम उससे प्यार नहीं करते हो? नहीं नहीं नहीं, बहुत प्यार करता हूँ उससे, पर वहाँ जाने के बाद खरी खोटी सुनाएगी, इसलिए डरता हूँ। महान पत्नी व्रता हो। हे यमराज, मेरे पति को एक बार नीचे भेज दीजिए, वो ऐसी विनती कर रही है। तुम्हें वहाँ भेजना मेरा धर्म है, अब तुम्हें जाना ही होगा। देखिए, पहले कह दे रहा हूँ, नीचे गया तो वहीं सेटल हो जाऊंगा, आप कष्ट में आ जाएंगे। मुझे नन्हा बालक समझ रहे हो क्या उपेंद्र? मैं यमराज हूँ, इसी समय तुम्हें वहाँ भेजने की मुहूर्त बना देता हूँ। आने वाली शिवरात्रि के दिन सूर्यास्त से पहले तुम कहीं भी रहो, कुछ भी करते रहो, किसी भी अवस्था में रहो, ये पाश डालकर मैं यहाँ आने के लिए तुम्हें विवश कर दूंगा। यम जी, मैं उसके सामने जाकर फिर से अचानक खड़ा हो गया तो बेचारी घबरा कर हार्ट अटैक से जमीन पर गिर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ उसे ही नजर आओगे, तुम्हारी बातें सिर्फ उसे ही सुनाई देंगी। मैं तुम्हें ये वर देता हूँ, जाओ। मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा, ब्यूटीज, बाय बाय। प्रभु, आपने कहा था लाखों वर्षों में ऐसी अनहोनी आप पहली बार देख रहे हैं, लेकिन आपने उसे पृथ्वी लोक पर भेज दिया क्योंकि उसे उसकी पत्नी वहां बुला रही है, क्या इसका कारण मैं जान सकता हूं प्रभु? ये सब भगवान की माया है, इस समय उसकी पत्नी ने उसे वहां बुलाया है, तो उस अधूरे कार्य को पूर्ण करना भगवान का दायित्व है, इसलिए उसे भूलोक भेजा गया। इस नवीन कार्य को होने दो। Thank you.
इतना डर क्यों रही हो? मैं हूँ, मैं उपेंद्र राज। उपेंद्र राज? हाँ, उपेंद्र राज ही हूँ मैं। उपेंद्र राज, क्या क्या ये आप ही हैं? हाँ भाग्यवान, मैं ही हूँ। क्या हुआ भाग्यवान, रो क्यों रही हो? क्यों प्रेमा, अब याद आई तुम्हें मेरी? इतने दिनों तक तो तुम मुझे भूल ही गई थी। आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? तो फिर इतने दिनों तक मुझे बुलाया क्यों नहीं? हा? अगर मैं बुलाती तो आप सच में आ जाते? अरे वहाँ रात सिंहासन में मिला होता तो तुम्हारी एक आवाज पे मैं यहाँ आकर खड़ा हो जाता। हा? तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है? इसी बात पर मेरा यमराज से झगड़ा हो गया। क्या कहा? तू वहाँ नहीं जा सकता। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं नीचे जाकर रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, और मैं तुम्हारे पास आ गया। हाँ मेरी जान। उपेंद्र राज, ये क्या बात हुई भला, तुमने तो बात ही बदल दी। बीवियों से ऐसी बात करनी पड़ती है तब जाके पिघलती हैं ये लोग। हाँ। बहुत बुद्धिमान हो। प्रेमा, जवानी में जैसी थी आज भी तुम वैसी ही हो, जरा सा भी बदलाव नहीं आया। हर एंगल से वैसी ही हो, सेम टू सेम। छी हटिए ना। दुचकिया। ये क्या है? तुम्हारी कमर पे अपनी अखियों से गोली मारी जानू। आप भी ना, इस उम्र में कोई प्यार की बातें करता है? पर तुम्हारी उम्र तो वही खड़ी है, तुम अब भी शादी के लायक कुंवारी लड़की जैसी हो। आहा, रूम अभी वैसा ही है। प्रेमा, वो चाबी का गुच्छा वहाँ क्यों रखा है? उसकी जगह तुम्हारी कमर में है। इस उम्र में कोई चाबी का गुच्छा लटकाता है क्या? क्या तुमने उम्र की रट लगा रखी है प्रेमा? जाओ लगाओ से। जाओ जानू, चुम्मी देता हूँ, जाओ। अब जरा अपनी साड़ी साइड हटाओ, उतना नहीं थोड़ा और, थोड़ा सा और हटाओ, बस भी करिए। हाँ ये ठीक है। वाह, वही जवानी दिख रही है अब तुम्हारी, अब लग रही हो तुम मेरी प्रेमा। हाँ अच्छा, अब बताओ मेरे दिल की रानी कि मुझे ऊपर से नीचे बुलाने की क्या वजह है? पता है रामू और सीता यहाँ पर क्यों आए हैं? कौन है वो लोग? हमारा बेटा और बहू। हमारा एक बेटा पैदा हुआ था। मैं गर्भवती हूँ ये बताने ही वाली थी, लेकिन आप तो चले ही गए। कहाँ है वो दोनों? नीचे अपने कमरे में है। मैं जाकर अभी देख कर आता हूँ। सुनिए, मैं अच्छी लक्षण वाली, बहुत अच्छा सिलेक्शन। इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे हैं, फिर भी हमें एक ही कमरे में रहने के लिए कह रही हैं। पति पत्नी एक ही कमरे में नहीं रहेंगे तो फिर? राम, या हम डिवोर्स लेने के लिए यहाँ आए हैं ना? उस काम को छोड़कर तुम पुराना काम कर रहे हो। डिवोर्स? तुम्हें मेरी बात नहीं सुनाई दे रही। ए प्रेमा, ये दोनों तो डिवोर्स की बातें कर रहे हैं। इसीलिए तो आपको बुलाया है, ये सब आपकी वजह से। अरे डिवोर्स की बातें वो लोग कर रहे हैं, इल्जाम मुझ पर क्यों ना लगाऊं? जहाँ खूबसूरत लड़की देखी नहीं उसके पीछे पीछे घूमना शुरू कर देते थे। बस बस बस, ठीक है ठीक है। पंडित जी ने कहा था उसकी कुंडली आप जैसी है, इसीलिए वो आप जैसा बनेगा। और वो आप जैसा न बन जाए इसलिए पूरी सावधानी से पाला है मैंने उसे। सावधानी से पालना कैसा होता है भाग्यवान? वो दे। ए, मेरे लड़के के साथ क्यों खेल रही हो? चलो उठो यहाँ से, चलो जाओ जाओ जाओ। चलो चलो चलते हैं। देखो रामू बेटा, लड़कियों के साथ कभी नहीं खेलते। वो क्यों माँ? क्योंकि अगर तुम किसी लड़की के साथ खेलोगे कूदोगे तो काली देवी तुम्हारी नाक काट देंगी। ठीक है माँ, अब लड़कियों के साथ नहीं खेलूंगा मैं। काली माँ, तुम्हारी आज्ञा मैं मानूंगा। क्या हुआ? इसके आने से तुम्हें क्या परेशानी है? मैं लड़कियों से बात नहीं करता। हाँ? यहाँ क्यों आई हो? माँ ने आपसे सूखे आम का अचार मंगवाया है, वहाँ रखा है, लेकर जाओ। ठीक है भाभी। मास्टर जी, आपको क्या लगता है मेरे बेटे को क्या बनना चाहिए? इसे डॉक्टर बनाओ बहन,
डॉक्टर बनने के लिए 24 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। डॉक्टर बनने के बाद भी दिन रात पढ़ना पड़ता है। बस लालच और स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। ठीक है ना रामू? आप जो कहेंगी मैं वही बनने के लिए पढ़ूंगा माँ। मेरा प्यारा बेटा। इसे सावधानी से पालना कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? इसे तो बुद्धू बनाना कहते हैं। आज मेरे बेटे की जिंदगी मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो रही है। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। आप हंस क्यों रहे हैं? मैं आ गया हूँ ना, सेटलमेंट करवा दूंगा। देखो इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों रो रही हो? इधर देखो, चुप हो जा। यमराज, क्या हुआ उपेंद्र राज? मैं अपनी बीवी को छू नहीं पा रहा हूँ। तुम उसे दिखाई दे रहे हो, यही बहुत है। उसे छू नहीं सकते तुम। खाली देखने की ही परमिशन है, छू नहीं सकता। भाग्यवान, आंसू पोंछ लो भाग्यवान, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। मालकिन, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं देखूंगा और ना ही मेरी किसी को आवाज सुनाई देगी। देखोगी? क्यों बहन जी, कैसी हो? लक्ष्मी माँ जी ने आपको दूध देने के लिए कहा है। ठीक है, वहाँ रख दो। ठीक है, माँ मुझे दे दो बहन। घर बिल्कुल वैसा ही है भाग्यवान। अरे मैं बिल्कुल साफ साफ कह देता हूँ, वो तो हमारा जलपति है ना। सारा सी भी गलती करेंगे तो पूरे गांव की सफाई कर देंगे। हाँ। एकदम हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है वो तो। टकला महाशय। हमारा कुची 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 याद है ना? हमेशा वही सोचते रहते हैं। पहले उस बच्ची का क्या हुआ वो देख कर आई। उसी काम के लिए तो यहाँ आया हूँ, देखता हूँ इसी में ना। ए, तू मेरा बेटा बन के कैसे पैदा हुआ? यमराज जी, क्या है उपेंद्र राज? घर वाली बुला रही है इसलिए आपने मुझे नीचे भेजा। अब घर वाली कह रही है कि मैं इन दोनों को एक करूं, नहीं किया तो मुझे फिर से ऊपर भेजने की धमकी दे रही है। बताइए क्या करूं? तुम अपने बेटे के शरीर में प्रवेश करो, फिर दोनों को एक कर दो। अपने बेटे के शरीर के अंदर? वो कैसे? तुम्हारे बेटे की कुंडली तुम्हारी तरह है। तुम्हारा ही वंश है, मैं कह रहा हूँ ना, जाओ। जाता हूँ। नीचे से डांट खाकर आया होगा। अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता, बहुत ही जल्द घर में वो हमारा पोता खेलेगा। सब कुछ हो गया है, गाड़ी गियर में डालकर आया हूँ। चाहिए तो तुम उस दरवाजे की चाबी वाले छेद से देख लो, सब दिखाई देगा। कितने बड़े बेशर्म हैं आप। अरे शर्म की क्या बात है, तुम अपने दिन भूल गई क्या? अपने दिनों को याद करो।
इस मंदिर का हिसाब किताब देखने के लिए हमें ये मंदिर हमारा है और मंदिर का भगवान भी हमारा। तुम लोगों के लिए और भी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ यही एक मंदिर है। उसे हमसे छीनने आए हो। इससे कब्जा करने के लिए पिछले 20 सालों से ना जाने कितने ऑफिसर्स आए और वो अपने ही खून में डूब कर मर गए। 2 साल पहले भी 4 लोग यहाँ आए थे, अब वो सब लापता हो गए और उनका गवाह मैं हूँ। उस मिसिंग केस का इन्वेस्टिगेशन करने वाले 4 SI भी लापता हो गए और 4 ऑफिसर्स ने ट्रांसफर ले लिया। तुम सब भी उसी तरह से गायब हो जाओगे, फिर हमारे मंदिर की तरफ कोई भी आंख उठाकर नहीं देखेगा। सर, महामंगल आरती का टाइम हो गया, अब चलो। शिव 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 शिव। नमस्ते भक्त वत्सल राज जी। नमस्ते पंडित जी, आप कैसे हैं? बस भगवान की कृपा है, आइए चलिए। ओम नमो शिवाय नमः। पंडित जी, मालिक, उत्सव का समय आ गया है, भगवान के सारे आभूषण मंगवा लीजिए। अच्छा। और तैयारी शुरू कर दीजिए, अकाउंटेंट आने वाले हैं। ठीक, आपने जो कहा वही करूंगा। नमस्ते मालिक। क्या हुआ सूरी? भूख प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही। तू कभी नहीं सुधरेगा। 100 रुपया दीजिए। दे दो। शिव 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 शिव। मेरे प्यारे बच्चों, माई डियर लवली चिल्ड्रन, तुम सबको पता है कि मैं आत्माओं से सीधे बात करता हूँ। यू नो आई टॉक स्ट्रेट सोल। और मुझे पता है, आई नो, कि तुम सब अपने प्रियजनों की आत्माओं से बात करना चाहते हो और इसी आस के साथ तुम मुझसे ये विनती करने आए हो कि मैं तुम सब की चाहत को पूरा करूं। इतना लंबा बोलेंगे तो ना इनको समझ में आएगा ना मुझे, इसीलिए टुकड़ों में बोलिए। टोकन नंबर 1। नमस्ते गुरुजी। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, 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 बैठ जाओ। गुरुजी बदल के क्यों बोल रहे हैं? मुझसे नहीं हो रहा, दमा है, सांस फूल रही है। इसे दमा है? बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठे रहो। तो अपना नाम बताओ। डॉक्टर अरविंद स्वामी। डॉक्टर हो के दमे के मरीज हो? ये सब उसकी वजह से हुआ। किसकी वजह से? पेशेंट संजीव की। हुआ क्या था? वो चला गया। चला गया? जी हाँ, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कुछ खास नहीं, वो लीवर प्रॉब्लम लेकर आया था मेरे पास, मैंने किडनी का ऑपरेशन कर दिया। ये कोई छोटी गलती है? ये बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, ये बताओ, लीवर आगे होता है और किडनी पीछे होती है, ये जाने बिना आगे का पीछे और पीछे का आगे करके ऑपरेशन कर दिया, तुम्हें डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिया किसने? हाँ, तभी तो कहा मुझसे छोटी सी गलती हुई। ये बताओ माल कितना अंदर किया तुमने? सिर्फ 5 लाख। तो संजीव को बुलाऊं क्या? हाँ बुलाइए बुलाइए। संजीव, और संजीव जल्दी इधर आओ, डॉक्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे इतनी जल्दी आ गया? और ये हाथ में हथियार लेके क्यों आया? अरे नहीं नहीं, मारना मत, इन्हें छोड़ दो छोड़ दो, मेरी बात मानो। वो क्या कह रहा है? अरे बहुत गुस्से में है, तुम्हें मारना चाहता है। चल लीजिए, चल लीजिए गुरुजी। अरे तो मैं बात करता हूं। अच्छा जी, देखो जो होना था वो तो हो गया, एक काम करो 5 गुना बढ़ाकर 10 मिलाकर 20 में सेटलमेंट कर लेता हूं, तुम्हारे लिए ओके है ना? 20 क्या? अरे 20 लाख। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, 5 में और 20 में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है गुरुजी। क्या बात है, ऑपरेशन करते समय आगे पीछे का डिफरेंस समझ में नहीं आया और अब जब सेटलमेंट की
बात आई तो डिफरेंस डिफरेंस कर रहे हो। संजीव एक काम करता हूँ, 10 घटा देता हूँ और 5 बढ़ा देता हूँ, तो 15 में सेटलमेंट कर लेता हूँ, वो लेके चले जाओ। गुरु जी बहुत थैंक्स गुरु जी, 15 तो मैं खुद ही लेकर आया था, आपके हाथों में दे दूं? अरे रे रे रे, इस पैसे को हाथ लगा के मैं पाप का भागीदार क्यों बनूं? अच्छा। तुम एक काम करो, ये पैसा ले जाकर वहाँ पेटी में डाल दो और शाम को आकर ये देख लेना कि ये पैसा जिस तक पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचा या नहीं। क्यों है ना, चलो जी गुरु जी, इन्हें जल्दी ले जाओ। आइए जल्दी जाइए। ओके भक्त जनो, माय डियर डिवोटीज, मुझे 1 मिनट का समय चाहिए। 1 मिनट टाइम प्लीज। मैं पीछे जाकर आता हूँ, तब तक तुम लोग अपने पांव धोकर वापस आ जाओ। गुड मॉर्निंग, चाय ले लो बेटी, बाद में पी लूंगी। आंखें लाल हैं। मेरे राज्य। क्या बात है, तुम्हारी आंखें क्यों लाल है? जी हाँ माँ जी, रात भर सो नहीं पाई। हाँ, मतलब तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ? वो अब भी खर्राटे लेकर सो रहे हैं, मैं ही रात भर सो नहीं पाई। अब एक बात पूछूं तुमसे, बुरा मत मानना, शादी के बाद तुम दोनों के बीच वो बहुत पहले की बात है। फर्स्ट नाइट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऐसे कैसे चलेगा बेटा? हम दोनों का अलग होना ही अच्छा रहेगा माँ जी। हाँ? जो आदमी नजरें मिलाकर बात नहीं कर सकता, उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारूंगी? मेरे लिए कुछ और दिन बर्दाश्त कर लो, अब यहाँ तक आ गए हो, उसे थोड़ा वक्त और दो, वो जरूर बदलेगा। बाद में तुम्हारी मर्जी। ठीक है माँ जी, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं एक हफ्ता और देखती हूँ, पर उसके बाद मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। ठीक है। उपेंद्र राज, उपेंद्र। इतनी जोर से क्यों आवाज दे रही हो रानी, गला दुखने लगेगा। ये सब छोड़िए, आपने तो कहा था रात में सब हो जाएगा। मैंने नहले पे दहला मारा, इसने दहले पे कमर दिया। चुटकी चुटकी बजाते ही सब ठीक कर दूंगा। रानी, गाड़ी गियर में डालने के बाद भी आगे नहीं बढ़ेगी, मुझे थोड़ी पता था। छी, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप, बिल्कुल आवारा हो गए हैं। औरतों के सामने कैसे बात की जाती है ये भी भूल गए? तुम औरतें भी ना बाहर से बड़ी भोली लगती हो, लेकिन अंदर से। रानी दीजिए, बात को बदलिए मत, पहले ये बताइए राम और सीता का क्या करने वाले हैं? ए, वो मेरा बेटा है, उसके मन में और माइंड में बहुत फिल्टर है, उसे वो ओपन नहीं कर रहा है। एक बार ओपन हो गया ना तो ऑटोमेटिक सही रास्ते पर आ जाएगा। कैसे? एक बार सोमरस अंदर गया, उसके बाद सारे के सारे फिल्टर खुल जाएंगे, फिर उसकी स्पीड मेरे से भी ज्यादा तेज हो जाएगी। वो तो हफ्ते में आप 4 बार पीते थे ना, इसलिए। पीकर किसके पास जाते थे, पंकजा के पास ना, भाग्य के पास या कृष्ण कुमारी के पास? उन सब की याद क्यों दिला रही हो, कोई भी बात स्टार्ट करती हूँ घूम फिर के वहीं पहुंच जाती हूँ। चलो आओ मेरे साथ। आज उस टकले पंडित को खांची में लेकर ही रहूंगा मैं। प्रोफेशनल है, तुम इसे पानी की तरह पियोगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तेरे नेले पे तेरा मर, यहाँ सब गधों की टोली जमा है और तू ही अकेला मर्द है। मैंने क्या किया? हाँ, मैं राम हूँ, द ग्रेट उपेंद्र राज का इकलौता बेटा, वो मैं ही हूँ। फोड़ू टकला तेरा, डरपोक। ए, बुला कर ले आओ सबको। धक तेरी की मारू नहले पे दहला। गुन्ना गुन्ना घूम, गुन्ना गुन्ना घूम, गुन्ना गुन्ना घूम, गुन्ना गुन्ना घूम, चटाई फटी तो गुन्ना गुन्ना घूम, खाट भी टूटी तो गुन्ना गुन्ना घूम। हमारी हालत जब इतनी खराब हो चुकी है, है? तो पता नहीं उसकी कैसी होगी। ओ माँ, ओ माय गॉड,
क्या हुआ? पूरी रात मेले में घूमकर सुबह ऐसी एक्टिंग कराए जैसे हमको जानते ही नहीं। मैं एक्टिंग? नो। हो गई इसकी कहानी खत्म। ओह लगता है मेरी कहानी खत्म। दिखने में तो शरीफ शहजादे से कम नहीं हो, पर पीने में कोई जवाब नहीं है तुम्हारा। नो। हेडेक। अच्छा। ऐसे घूर रही जैसे मुझे खा जाएगी। क्या? जाइए ना। पी तो हम लोगों ने थी ना। हाँ। सीता, अब वो कैसा है? पता नहीं उसने इतनी कैसे पी ली। जाने दीजिए ना माँ जी, मैंने आज तक उन्हें कभी पीते हुए नहीं देखा है, और अगर कभी कभार पी लेते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बल्कि अच्छा है। रात को सोने के बाद से अब तक उठे नहीं, उनके लिए कॉफी बना कर लाती हूं। सुनो, कॉफी नहीं, छाछ में नींबू डाल कर दो, इस पर यही काम करता है। जाओ। ठीक है। वो तुम कोई गाना गा रहे थे। मी सिंगिंग? नो। वही तिना तिना दिन। हाँ, तिना तिना तिन तिन दिना दिना तिन दिन। ओह माय गॉड। चलो सो जाओ, सीधे होकर ऐसे। ठीक है। आइए आइए, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? बड़े पापा। शिव शिव। नमस्ते पापा। कैसे हो दलपति? मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ। बहु बेटा आए हैं तुमसे मिलने के लिए। आ गया यहाँ, अपनी सर्विस बीच में छोड़कर वो अचानक कैसे आ गया? राम, बड़े दादा आए हैं देखो। चरण स्पर्श दादाजी। आयुष्मान भव, बैठो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ। सदा सुहागन रहो। तुम्हारे ससुर जी के बड़े पापा हैं। इसे देखकर लग रहा है उपेंद्र राज मेरे सामने बैठा है। सही कह रहा हूँ दलपति? जी बिल्कुल सही है बाबूजी। हाँ, उसे गए हुए बरसों हो गए हैं, पर लग रहा है कि वो सामने ही है। वो खेलना, हंसी मजाक, दान धर्म सहायता, उसकी रीति रिवाज बिल्कुल अलग थी। आसपास के सभी गांव में उसके जैसा शेर कोई नहीं था। हाँ। खैर चलता हूँ बेटा। खाना खाकर जाते तो अच्छा होता। फिर कभी आऊंगा बेटी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। क्या बात है भाभी, भैया के बारे में बड़ाई कर रहे थे तो आप बड़ी शर्मा रही। इसकी शर्म पर तो मैं पानी फेरता रहता था। वो सब छोड़िए, आप भैया से बात करेंगे क्या? मामा के साथ? क्यों? हमारे गांव में एक बहुत बड़े स्वामी जी आए हैं, सुना है वो आत्माओं से बात करते हैं, हम लोग भी वहाँ चलते हैं ना। तुम और तुम्हारी आत्मा, चलो जाओ। अच्छा छोड़िए, चाय बनाते हैं। आत्माओं से बात करने वाला आ गया है? यमराज जी ने हमारे साथ तो बड़ी टर्म्स कंडीशन लगाई है। ये कौन है जो आत्माओं से बात करता है? अभी जाकर पता लगाता हूँ। नमस्ते गुरुजी। यस। मुझे अपने दादा से बात करनी है। उनका नाम? सिंगरी गौड़ा। ओ, ऊपर चले गए। तुम अपना नाम बोलो। कैंपा गौड़ा। बात क्या है? मेरे दादाजी बार बार मुझे सपनों में आकर बिजनेस टिप्स दिया करते थे। हाँ। लेकिन आजकल वो सपनों में आते ही नहीं। हाँ। लिक्विड कैश हद से ज्यादा हो गया है। कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा है? इसीलिए आप जल्द से जल्द दादाजी को बुला दीजिए। समझ गया, जरूरत है तेरी और जरूरतमंद हूँ मैं। I will solve your problem. Thanks. रुको, कहाँ जा रहे हो? दादाजी आइए दादाजी। तुम तो चला रहे, अभी तक मुझे नहीं दिखे तो तुम्हें कैसे दिखेंगे? अब उधर देखो, अब इधर देखो, इधर। दादाजी उधर आ गए। दादाजी कहाँ हैं आप? अरे इधर हैं। दादाजी, किसी एक जगह पे देखने के लिए बोलिए। बकवास बंद कर, तू मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है? अगर मेरा काम तू करेगा तो मैं यहाँ किस लिए बैठा हूँ? उठा के पार करो इसे जल्दी। नहीं, रुके रुके, पहले आप बात कीजिए फिर मैं बात करूंगा, ओके ना? ठीक है। हाँ तो सिंगरी गौड़ा जी, तुमने अपने पोते से बात करना क्यों बंद कर दिया? बात क्या है, उसे नाराज हो क्या? पूर्णाष्टमी के दिन उचित फल की प्राप्ति के लिए इस आश्रम को 10 एकड़ जमीन लिख कर देनी होगी, ऐसा तुम्हारे दादाजी तुमसे कह रहे हैं। ये बात तो तुम्हें पहले बता चुके थे, लेकिन तुमने उस बात का पालन नहीं किया और इसलिए वो तुम्हारे सपने में नहीं आ रहे। मैं अभी लिख कर देता हूँ, कितना दूं उनसे पूछिए। अच्छा कितना दे रहा है? 10। क्या 10?
20। क्या 20? अभी तो 10 कहा था। अभी अभी उन्होंने 20 कहा है। तुम्हें दे रहा है तो बोलो। सिंगड़ी गोड़ या वापस आइए। अरे रुकिए दादा जी, बच्चा के पास फेंको। नो 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 नो, रुकिए रुकिए रुकिए, 20 चाहिए ना, मैं लिख कर देता हूँ। वेरी गुड दादा, ओके ना। इधर लाओ, ये लीजिए सर, पेन दो। गुरुजी, आपके नाम पर लिखूं ना? अरे रे रे, मेरे नाम पे क्यों लिख रहे हो, मुझ पर पाप क्यों चढ़ा रहे हो? तुम तो साइन करके पेटी में डाल दो, दादाजी को जिसे देना होगा वो दे देंगे। हाँ ठीक है, ये लो। ये लीजिए। अरे लो ना। दादाजी का कितना अच्छा पोता। दादाजी आपको कोई टिप दे रही है तो जल्दी बता दो इसे। ओके 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 ओके। गुरुजी कौन सी टिप दी उन्होंने? कुछ भी बता दीजिए गुरुजी। बताता हूँ। उन्होंने कहा वो जो अंदर है उसे बाहर मत छोड़ना, और जो बाहर है उसे अंदर मत आने देना। जीवन का रहस्य दे दिया दादाजी ने। दादाजी आप भी सुनिए, जो अंदर है उसे बाहर मत छोड़ना, जो बाहर है उसे अंदर मत आने देना। बिल्कुल सही सही। आपको थैंक यू दादाजी, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। ए सर, लाख रुपए लाओ। लीजिए। टेक इट। ओके यू टेक इट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप जाओ जाओ। हो। अरे मैंने इसे कहा क्या और ये समझ क्या गया? धत तेरे नहले पे दहला मारूं? तू तो बहुत बड़ा चालबाज है यार। हां? ए! कौन है यहाँ पर जो मुझे चालबाज कह रहा है? कोई नहीं है गुरुजी। ए! किसी ने मेरे खिलाफ यहाँ गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, कौन है वो? इसे मेरी आवाज सुनाई कैसे दे रही है? यमराज जी, आपने कहा था मैं किसी को सुनाई नहीं दूंगा, ये किसी और आत्मा की आवाज नहीं सुन पा रहा, मेरी सुन पा रहा है, ये कैसे हुआ? उपेंद्र, हर मनुष्य का जन्म एक उपकार के लिए होता है। जो घटना घटती है उसके पीछे कोई कारण होता है, इसलिए बार बार मुझे बुलाकर मुझे परेशान मत करो। ठीक है रहने दीजिए, इसे मैं संभाल लूंगा। टोकन नंबर टू। प्रणाम गुरुजी, ये लीजिए टोकन। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। बैठ जा। हाँ तो नाम बोलो। मुरली कृष्ण नाम है उनका। मुरली कृष्ण, ओ मुरली कृष्ण, आइए आइए मुरली बैठिए। तुम जिसे बुरा भला कह रही हो वो बहुत ही फनी कैरेक्टर है। फनी नहीं, फनीएस्ट कैरेक्टर। अबे तुम्हें कुछ सुनाई दिया क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। नहीं दिया? लेकिन मुझे क्यों सुनाई दिया? हाँ बोलो क्या बात है? गुरुजी, मेरे पति ने जाने से पहले चिटफंड में बचाए हुए सारे पैसे निकाल लिए थे। वो कहाँ रखे हैं जरा पूछकर बताइए ना। इतनी सी बात है, अभी पूछता हूँ। मुरली जी, चिटफंड का पैसा आपने कहीं छुपा कर रखा है, वो कहाँ रखा है ये बताइए, और कितना है? पूरे 25 लाख। तब मुझे यहाँ किसी आत्मा की आवाज़ सुनाई दे रही है। हाँ हाँ, वही सुनने के लिए तो आई हूँ, जो उसने बोला मुझे बता दो। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। अरे रे रे, तुम कुछ बताओगे कि पैसा कहाँ है? तुम्हें पैसों से बहुत प्यार है ना? पैसों से किसे प्यार नहीं है, इसलिए मुझे भी प्यार है। मैं 25 लाख दूंगा तो रख लोगे क्या? 25 लाख रुपए? 25 लाख मिल गए तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, और मैं तुम्हारी वाइफ को भी अपने साथ रख लूंगा। अब ये बताओ पैसा कहाँ रखा है? वो पैसा कहाँ रखा है ये बताया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए लगा समझे? ओके, मैं समझ गया। अरे मुझे कुछ पूछना था, तुम चले गए क्या? नहीं अभी तो यही हूँ, बस जा रहा हूँ। क्या कहा, जा रहे हो? चला गया? झूठ बोल रहे हो। अरे झूठ क्यों बोलूंगा, पैसा कहाँ रखा है ये बताने से पहले ही वो चले गए। मुरली जी, उन्होंने बताया, वो तुमने सुना कि नहीं? सुना था। तुमने कहा था पैसे तुम्हें पसंद है, कहा था कि नहीं? हाँ, पैसों से मुझे प्यार है। मेरे पति ने पैसे कहाँ रखे जाने के बाद तुम उन पैसों को हड़पना चाहते हो ना? मेरी माँ, मैंने कहा क्या और तुम क्या समझ बैठी, मेरी बात तो सुनो। रुको, मैं क्या चीज हूँ तुम जानते नहीं हो? तुमसे कहा था पैसों के बारे में पूछ कर बताओ, अब उन्हें हड़पना चाहते हो? मैं हड़पना चाहता हूँ? तुझे देखकर समझ में आता है, रुक। अरे बाप रे, मैं थक गया। नेक्स्ट टोकन बुलाऊं गुरुजी? किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, जाओ। ये अचानक साउंड कहाँ से सुनाई दे रही है यार? तुम्हारी कमाई बहुत जोरों पर चल रही है, दूसरा टोकन बुलाओ। अरे बाप रे, ये तो मेरे कान में ही बोल रहा है। ए चल बॉस। अरे गुरुजी गुरुजी, क्या हुआ क्या हुआ? हमें कुछ सुनाई दे रहा है। इस तरह लोगों को धोखा देना गलत है या नहीं? अरे माई बाप, जब धोखा खाने में कोई गलती नहीं है तो धोखा देने में क्या गलती हो सकती है? मेरी मानो ऐसा मत करो। अरे माई बाप,
मैं अपना पेट पालने के लिए ये काम कर रहा हूँ। भाई मुझे माफ कर दो, और आप कौन हो ये तो मुझे बता दो। उपेंद्र राज, ये नाम सुना है कभी? हाँ, ओ उपेंद्र राज जी, वो जमींदार उपेंद्र राज जी। और क्या, तुमने क्या समझा था? जमींदार उपेंद्र राज जी को कौन नहीं जानता। मैं जब छोटा था चड्डी पहन के खेल कूद किया करता था, तब गाँव के लोग एक ही बात करते थे, उपेंद्र राज जी हर किसी की मदद करते हैं, उपेंद्र राज जी बहुत नरम दिल के इंसान है। उपेंद्र राज जी का नाम सुनते ही हमारे गांव के लोग झिंचक 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 करते थे। तुम तो हमारे गांव के इंस्पिरेशन थे। वैसे वो सब तो ठीक है, ये बताओ मेरे पास क्यों आए हो? कुछ खास नहीं, मेरे बेटे की थोड़ी समस्या है, तुम्हारे बारे में बहुत सुना था इसलिए तुमसे मिलने चला। हाँ। वैसे फ्रेंडशिप हो ही गई है, तो साथ में चलो, बात करनी है। फ्रेंडशिप के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। चलो चलो आ जाओ, चलो चलो चलो। राम, या खाना खाते हैं? नो नो, आई हैव वर्क, आई हैव लेटर। ओके बुआ। आओ सीता, अब सिर्फ हम तीन ही खाने के लिए बचे हैं, राम को भी बुलाओ, साथ में खाते हैं। आप खा लीजिए। क्यों, तुम्हें अभी भूख नहीं लगी है? भूख तो बहुत लगी है, पर वो काम कर रहे हैं ना, काम खत्म हो जाए तो साथ में खा लेंगे। ठीक है। हाँ? हाँ? बिजली भी गई, वक्त बेवक्त ये जाती ही रहती है। मेरा खाना हो गया, तुम जाकर देखो तुम्हारे पति का काम हुआ कि नहीं, ठीक है ना? Yes, baby. आप हैं? खाना खाया तुमने? हाँ खा लिया। और सीता ने? मुझे नहीं पता। बेचारी को बहुत भूख लगी थी, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, तुम्हारे बगैर वो कैसे खा सकती है राम? इंसान खाता है भूख मिटाने के लिए, हस्बैंड के लिए नहीं। सही टाइम पे खाना नहीं खाया तो एसिडिटी हो जाएगी, उसे खाने के लिए कहिए। अब तो तुम खाना खा लो बेटी। नहीं, मेरी भूख मर गई। आधी रात को कोई विश करता है क्या? ये सुबह भी तो कर सकती थी। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू, जाओ सो जाओ। थैंक यू वेरी मच। ये क्या है सीता, पैकिंग क्यों कर रही हो? माँ जी, कुछ पहनने के लिए तो चाहिए ना। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था ना। उनकी मेंटालिटी बदलने वाली नहीं है, आखिर मैं ही अकेली उन्हें कब तक प्यार करती रहूंगी? नहीं नहीं सीता, देखो मेरी बात सुनो। मेरे पति हैं इसलिए मैं ही हमेशा उनके पास जाती रही हूँ, लेकिन उन्होंने तो कभी मेरे प्यार को नहीं समझा। इतनी नफरत सहने के बाद मैं और नहीं गिर सकती, अब मुझसे यहाँ और नहीं रहा जाएगा, इसलिए मायके जाने का फैसला किया है। डिवोर्स पेपर तैयार कर। उपेंद्र राज। क्या बात है जान, तुम इतने प्यार से क्यों आवाज दे रही हो? प्यार से नहीं, गुस्से से। गुस्से से क्यों? क्यों क्या, सीता कह रही है वो जा रही है, अगर वो चली गई तो डिवोर्स होगा। डिवोर्स? हाँ। हाँ, तेरा नेले पद्देला मारूं। ये क्या है, जा रही हूँ कभी आ रही हूँ, समझती क्या अपने आपको? ये सारे खेल ना सिर्फ औरतों को ही आते हैं, जरा सा सीधा साधा लड़का मिल गया तो बस उसके सर पे बैठ के बाल पकड़ के नचाती है।
तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो, एक टाइम पर एक साथ दो दो चक्र चलाते हो। लेकिन मेरा बच्चा वैसा नहीं है, वो बहुत शरीफ है, किसी भी तरह उसे रोक लीजिए ना। मिलाऊंगा जान, जरूर मिलाऊंगा। इसीलिए कहते हैं कि औरतों के दिल में डर होना चाहिए। हाँ, मर्द के इर्द गिर्द चार लड़कियाँ घूमती रहेगी तो हस्बैंड की वैल्यू ज्यादा होगी। बीवी डरती है कि पति छोड़ ना जाए। ओह, इसीलिए क्या शाम होते ही मेरे सामने कृष्ण कुमारी के साथ जाकर रास लीला रचाते थे। ऐसे राज औरतों के सामने बताने ही नहीं चाहिए। कोई समझने को तैयार नहीं होती और कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होती। कैसे बेशर्मी की बातें कर रहे हैं। जाकर उन दोनों को संभालिए। अब राम और सीता को मिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है? उसके लिए तुम परेशान मत हो। अब जरा सा हंस दो। हंसो, थोड़ा और, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा और। ये बिना बात, मैं अभी आया। चौबीस घंटे इसी के पीछे पड़ा रहेगा तो कौन सी लड़की इसे भाव देगी? ये कैसा ड्रेस है और ये कैसा बूट है? कमर में ये पट्टा बांधा हुआ है और ऊपर से इन शर्ट निकाल। छी, ये राम तो बिल्कुल अपने बाप के नक्शे कदम पर है। आज बहुत अच्छे लग रहे हैं भैया। राम बहुत स्मार्ट लग रहा है। अरे वाह, बिल्कुल किसी हीरो जैसे लग रहे हैं। वाह, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। आज भी मेरी बाइक को संभाल के रखा हुआ है। उपी, आपका इस तरह बुलेट पर आना जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बार एक्सीडेंट हो गया तो जरूरी थोड़ी बार बार एक्सीडेंट होगा। वो तुम बात नहीं है। ये कौन है? उपेंद्र राज का बेटा है, टाइम आ गया है। अरे वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। कोई नहीं है, क्या हुआ? अरे वो उपेंद्र राज आ रहे हैं। क्या कह रहे हो, वो यहाँ क्यों आएंगे? अरे उन्हें मैंने मारा है, अब मैं भी मर जाता हूँ। वो मुझे मारे उससे पहले मैं घुट जाऊंगा। मुझे मरना है बस। तुम्हें हो क्या गया है? उनके लड़के को देखकर तुम्हें लग रहा है कि उपेंद्र राज आए हैं? कहीं तुम सच में पागल तो नहीं हो गए? 30 साल पहले मर चुके हैं, वो कैसे आएंगे भला? अरे मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है उपेंद्र राज को आते हुए। दिमाग खराब हो गया है। तुमने क्या कहा? मैं पागल हो गया हूँ? मैं झूठ बोल रहा हूँ? दिमाग खराब हो गया मेरा? सारे गाँव वाले सोच रहे हैं कि उपेंद्र राज जी की मौत एक्सीडेंट से हुई थी, लेकिन कुछ और ही हुआ था उस दिन। उपेंद्र राज जी को मरवाने वालों की मृत्यु का समय आ गया है। सब के सब मरेंगे, सब के सब मरेंगे। आओ राम, आओ, बहुत दिन हो गए, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। आओ बैठो। आप रिंकू के फादर है ना? हाँ हाँ, बैठो। कहाँ है आपकी बेटी? अंदर है। ए उमा, कॉफी ले आओ, राम आया हुआ है। क्या राम जी यहाँ आए हुए हैं?
और सब कैसा चल रहा है राम? अमेरिका से कब आए? क्या हुआ राम? झूला शौक मार रहा है अंकल जी। राम, रिंकू हंस रही है। हाँ, रिंकू हंस रही है इसीलिए शौक मार रहा है। रिंकू जरा पलटो। वाह 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 वाह, जलता शोला, तभी तो तेरी हंसी से करंट जैसा शौक लगा है। बाप से कह के घर की बिजली कटवा दे, सुबह से शाम तक हंसते रहना, बस बिजली आ जाएगी, वो भी फ्री में। राम, क्या तुम ही ये सब बातें कह रहे हो? क्यों, मैं ऐसी बातें नहीं करता। पहले तो नहीं की? नहीं, पहले मैं ऐसी बातें नहीं करता था। मैं जब भी तुमसे बात करने के लिए आती थी तो तुम्हारी माँ मुझे भगा देती। धत, तेरे की नहले पे दला मारूं, मेरी खुशियों पर भी पानी फेर देती थी। अच्छा, तुम कैसे हो? ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे हाथ में क्या है? मेहंदी। चाय। कभी घर में आ जाना, अच्छा डिजाइन बना के दूंगा। देखिए जी, हमारा राम आया हुआ है। अच्छा, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। पुष्पा, राम को देखकर लग रहा है जैसे उसके बाप को देख रहा हूँ। हाँ जी। क्यों मिलिट्री अंकल, कैसे हैं? हेलो भैया। ये मेरा बेटा श्री राम है, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। बेटा, अंकल की बेटी भी तो थी। सत्य भामा। देखो अपना राम आया हुआ है। अरे श्री राम, ये तुम शर्ट अंदर क्यों करते हो यार? वो भैया, ये बताओ पढ़ने के बाद क्या करने का इरादा है? आपके साथ अमेरिका जाऊंगा भैया। इसे इतना इजी समझ रखा है क्या? तेरी की नहले पे दहला मारूं। संध्या के लिए हम लड़का ढूंढ रहे हैं, घर का सारा काम और खाना पकाना अच्छे से कर लेती है। तुम दोनों बातें करो, मैं छाछ ले आती हूं। हाँ ठीक है ठीक है, और तुम भी जाके अपना काम करो। क्या हुआ राम जी? तुम जैसी खूबसूरत लड़की मेरे सामने खड़ी और मैं सिर्फ देखता रहूं तो लगता है कि मैं खुद पर जुल्म कर रहा हूं। चूल्हा चौका करवा के तुम्हारी माँ तुम्हें बिगाड़ रही है। मिस इंडिया बनने के लायक हो तुम, पर ये तो तुम्हें मिसेज बना के छोड़ेंगे। सच्ची? सच में मेरी जान। मेरे घर आना तो मैं मटक मटक के चलना सिखा दूंगा। वो कैट वॉक? हाँ वही कैट वॉकिंग। प्रभु, इस उपेंद्र राज को भूलोक हो परलोक हो कहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसने सुख भोगने के लिए ही जन्म लिया है क्या? काल चक्र सदैव एक सा नहीं रहता चित्रगुप्त। वो तो ठीक है प्रभु, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझ पाया। सभी घड़ियां शुभ घड़ी नहीं होती हैं। राहु काल यम काल में बदल जाता है। वो देखो डॉक्टर। सॉरी, क्या हुआ? डॉक्टर, तुम्हें देखकर लगा था कि तुम्हारे पिताजी हैं, इसलिए डरकर भाग गया था। तुम मेरे पापा से इतने डरते क्यों? मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। ए, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आपके पिता को मारने वाला मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ए, तुम मेरे पापा को क्यों मारोगे? शराबी की औलाद। शराब के लालच में देवता जैसे तुम्हारे पिता को मैंने मार दिया, और तब से मैं पश्चाताप की आग में जलकर मर रहा हूँ। हाँ मालिक, आपका परिवार खतरे में है। परिवार खतरे में? हाँ मालिक, वो ही बताने आया हूँ मैं। आपके पूरे परिवार को मार देंगे वो लोग, वही बताने आया हूँ मैं मालिक। वो कौन है? क्या खतरा है? Hey, वो लोग आ गए। कौन आ गए? वो लोग कौन? Hey, वहाँ कोई नहीं है। कौन है वो? नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। सुरी, वो लोग मुझे कौन है? सुरी, बताओ परिवार को बचाइए। Hey. जल्दी जाइए। Hey, सुरी, hey, सुरी बता ना क्या बात है? सुरी, सुरी रुक जा। Hey, सुरी बता मुझे क्यों मारा? सूरी, सूरी मुझे बता, मुझे क्यों मारा? सूरी, सूरी, सूरी मुझे बता, क्यों मारा मुझे? क्या खतरा है मुझे? बोलना, मेरे परिवार को क्या खतरा है?
यमराज जी। क्या है उपेंद्र राज? मुझे किसने मारा और क्यों मारा? वो मैं नहीं बता सकता। आपको बताना ही होगा प्रभु, मैं तो अपनी जान गवा चुका हूँ। सुना है मेरे परिवार को भी खतरा है, क्या ये सच है? मैं नहीं बता सकता तुम्हें। आप नहीं बताएंगे तो मुझे कौन बताएगा प्रभु? भूत भविष्य काल का निर्णय करना यम का धर्म नहीं है। ये सब देखने के लिए मुझे यहाँ भेजा? इतनी बड़ी सजा? क्या मैंने इतना बड़ा पाप किया है? कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, उससे कोई नहीं बच सकता उपेंद्र। यमरा भाई, उसकी कहानी हमने खत्म कर दी भाई। तुम लोग हमेशा उपेंद्र राज के बेटे पर अपनी नजर रखो। वो कहाँ जाता है, क्या क्या करता है, उसकी हर खबर मुझे देते रहो। ठीक है भाई। प्रेमा, इसे पता चलेगा कि मेरा खून हुआ है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। चुप रहने में ही भलाई है। या? मैं हूँ सत्यभामा। What? राम जी। ये राम जी क्यों? यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? तुमने कहा था ना मुझे कैटवॉक सिखाओगे। मैंने कहा था कैटवॉक सिखाऊंगा? तुमने ही कहा था राम जी। हाँ हाँ, कहा होगा कहा होगा। हाँ हाँ, या CATWALK। I will teach you. इस गांव में मैंने सिर्फ डॉग वॉक देखे हैं। ये कैट वॉक तो बड़ी आसान है। Put your साड़ी inside. Now, thigh out, hip out, hand in, hip out. Keep doing this, okay? करो ना। Hand out, in, out, in, hip out, in, out, in, out, out. इन तो बेस तरह से चलकर दिखाओ जी। ऐसे ही चलना है राम जी, मुझे कैटवॉक आ गया, मैं मिस इंडिया बन जाऊंगी। ये मिलिट्री माधव की बेटी तो एकदम बिगड़ चुकी है। बोलो उधर क्या चल रहा है? भाई, कुछ कुंवारी लड़कियां पहले तो घर के अंदर जा रही हैं, फिर थोड़ी देर के बाद घर से बाहर आ रही हैं। अंदर जा रही हैं फिर बाहर आ रही हैं। तुम कौन हो? मैं हूँ रिंकू। सॉरी, मैं हूँ रिंकू। ओह हाँ हाँ, रिंकू रिंकू, पर यहाँ क्यों आई हो तुम? तुमने कहा था ना मेहंदी लगा दोगे। मैंने कहा था मेहंदी लगा दूंगा। हाँ हाँ, कहा होगा कहा होगा। आजकल पता नहीं हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दीदी को बुला दूं या मम्मी को बुलाऊं? तुम ही लगाओ। मी? ओके। हाँ। अच्छा डिजाइन देखकर लगाना। हाँ ओके ओके। लव, इसमें से कुछ निकल ही नहीं रहा है। लगाने से पहले इसे खोलना पड़ता है। हाँ सही कह रही हो, खोलना पड़ता है। हाँ दिखाओ हाथ। ओ हेलो, मत, सब बिगड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। बेकार हो जाएगा तो फिर से लगा देना मेहंदी। यस यस ऑफ कोर्स, फिर से लगा दूंगा। तुम्हें मेहंदी लगाना बहुत पसंद है क्या? जब मैं छोटी थी, कावेरी नदी के किनारे बैठकर छोटी उम्र से बड़ी होने तक जाने कितने ही सपनों को सजाकर अक्सर तुम्हारी ही यादों में हमेशा खोई रहती थी। वो क्यों? तुम बुद्धू हो। मैं? थैंक यू। और लगाओ ना। अच्छा लग रहा है ना ये? वेरी प्रिटी, अच्छी लग रही हो। अब तुम जाओ। सुनो राम। हाँ? तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाने का सोची थी। कोई बात नहीं, मेहंदी तो रचा ली ना। दीदी, यू सो लकी। थैंक्स राम। बाय सीता। सीता
सीता रुक जाओ। आपने देखा ना माँ जी, वो सबसे कितनी अच्छी तरह से बातें कर रहे हैं, सिर्फ मुझसे ही नहीं करते। ऐसा क्यों सोच रहे? आप कुछ मत कहिए माँ जी, वो मुझे पसंद नहीं करते, मैं जानती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं माँ जी, उनकी लाइफ में कोई और भी जरूर है, ये बात तो कंफर्म है। कोई डॉक्टर होगी या कोई नर्स, इसलिए यूएस में भी वो मुझसे ढंग से बात नहीं करते थे। मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। ओह तो ये यहाँ बैठे हैं। उपेंद्र राज, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपकी हरकतों का क्या नतीजा हुआ देखा? वो इसी वक्त अलग होना चाहते हैं, ये सब आपकी वजह से। कैसी बातें कर रही हो प्रेमा, क्या मुझे अपने बेटे से प्यार नहीं है? मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ उपेंद्र राज, वो और मैं, हमारी इतनी ही दुनिया है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं। हाँ मैं अकेली पड़ जाऊंगी, बस हमेशा यही डर सताता रहता है मुझे। प्रेमा तुम शायद सही कह रही हो। ये कैसी किस्मत है मेरी, आप और मैं 100 साल तक साथ में रहेंगे, यही सोचकर खुश थी। शादी की यादें दिल में अभी तक सजा कर रखी हैं, लेकिन आप तो मुझे छोड़कर चले गए। कितना दुख सहना पड़ा मुझे, अकेली जिंदगी जी है उसमें हमेशा आपको देखती रही हूँ। मेरा बेटा मुझसे अलग हो जाएगा, ये सोच कर भी डर लगता है। मैंने शायद बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी मुझे तुम जैसी बीवी मिली थी प्रेमा। खैर छोड़ो, तुम बहू को समझाओ कि पति के साथ कैसे रहना चाहिए, हो सकता है कि राम बदल जाए। ठीक है, सारे दुख और तकलीफें मेरी ही किस्मत में है। प्रेमा तुम जो सोच रही हो सही है, पर जो मैं सोच रहा हूँ वो तुम्हारी सोच से अलग है। आगे जो होने वाला है उससे अपने बच्चों को कैसे बचाऊं, वही फिक्र मुझे सता रही है। देखो सीता, हर पति और पत्नी के बीच में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। पति हमें ज्यादा नहीं समझ पाते और टाइम भी नहीं देते। हर मर्द यही जवाब देता है कि मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ बस। हर पत्नी सोचती है कि मेरा पति ऐसा हो वैसा हो, उसी तरह हर पति भी अपनी पत्नी के बारे में यही सोचता है कि पत्नी ऐसी हो वैसी हो। सच कह रही हूँ ना मैं? औरत को हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। मान लो कि इस वक्त तुम्हारे सामने वो बैठा है, अगर मुस्कुराते हुए उसके सामने नहीं जाओगी तो वो तुम्हारा चेहरा नहीं देखेगा, लूंगी पहनकर टीवी के सामने बैठ जाएगा। युद्ध में जिस तरह वीर अपना हथियार नहीं छुपाते, इसी तरह पत्नी को भी अपने हथियार छुपाने नहीं चाहिए। वहाँ वो जीतते हैं तो यहाँ हम जीतती हैं। समझ रही हो ना? जाओ जाओ ना सीता, जाओ। राम। हाँ? फिल्म देखने चले क्या? फिल्म देखने क्यों? ये फिल्म देखने जाना चाहती है ना? तो लेकर क्यों नहीं जाती इसे? नहीं, मेरा 6 बजे एक इम्पोर्टेंट कॉल आने वाला है। 6 बजे ना, 5:30 बजे आ जाओगे। नो, मेरे कहने का मतलब मैंने कहा ना इसे लेकर जाओ। ठीक है ले जाता हूँ। 3 घंटे की मूवी, 15 मिनट जाना, 15 मिनट आना। राम। हाँ? बाइक पर चलें क्या? नहीं, कार इज सेफ, कम ऑन कम ऑन। माँ जी। नहीं, ठीक है बाइक से चलते हैं। अरे सामने तो देख लगता है आज हमें कुछ करना ही पड़ेगा। मटक मटक के आजा, उछल उछल के आजा। उतरो। क्या हुआ? उतरो। डॉक्टर इसी तरफ आ रहा है, तुम सब लोग तैयार हो जाओ। तैयार है। तुम सब मेरी फैमिली के बीच में आ रहे हो ना?
तुम सबका तो मैं नहले पे आप ही ने कहा था इसे दिमागी वीकनेस है। तुम्हारी इस वीकनेस का ट्रीटमेंट मुझे ही देना पड़ेगा। ओए, मेरी बीवी के शेप के बारे में किसने बोला? इसने इसने। तेरे नहले पे दहला मारूं? आजा। कचरे की औलाद। ए, इधर आ बे। मैंने कुछ नहीं कहा सर। एक बार बोल, क्या कहा था तूने उस दिन? मैंने कहा था कि मटक मटक कर उछल उछल कर राजा। उछल उछल कर जा, भाग यहाँ से। दीदी वो देखो मुझे मार रहे, मैंने आपको कुछ नहीं कहा था। यहाँ बैठकर तू स्टाइल मार रहा है, पढ़ाई छोड़ कर के तू स्टाइल मार रहा है। चल भाग। गलती हो गई, मुझे माफ कर दे मेरे को। What happened? Where are we? हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं राम। फिल्म। फिल्म बहुत अच्छी थी ना? तुमने फिल्म देखी क्या? हेलो डॉक्टर राम। हेलो डॉक्टर राम से बात करनी है हमें। Actually, he's not there at the moment. आप सीता है ना? जी हाँ, आपको कैसे पता? डॉक्टर ने बताया था। ओह, आज हमारी बेबी का बर्थडे है, डॉक्टर की ब्लेसिंग्स लेनी थी इसके लिए। लास्ट ईयर 5th फरवरी को डॉक्टर ने सर्जरी करके हमारी बच्ची की जान बचाई थी उस दिन। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर हमारी बच्ची का नाम आप ही रखिए डॉक्टर। मैं? जी हाँ डॉक्टर, हम जब भी अपनी बच्ची का नाम पुकारे हमें आपकी याद आनी चाहिए डॉक्टर। ओके। सीता। ये किसका नाम है डॉक्टर? ये मेरी वाइफ का नाम है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। क्या हुआ बेटा? सच में? मेरी बच्ची। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। भगवत गीता को लगता है आप अच्छे से समझ गए हैं। बताओ कैसे आना हुआ? सूरी का एक्सीडेंट केस। सबको यही पता है कि सूरी का एक्सीडेंट हुआ था, और ये एक्सीडेंट दरअसल सूरी ने खुद करवाया था, और ये बात मैंने साबित करवाकर
इस केस को ही क्लोज करवा दिया। बेचारा सूरी उसे मरवाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया समझी जी। शिवरात्रि नजदीक आ रही है, उस वक्त अगर उसे मारते तो लेने के देने पड़ सकते थे। हाँ, बच गए हम लोग। मुझे एक छोटा सा काम याद आया, दूर जी को फोन करना है। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, बोलो। शिवरात्रि नजदीक आ रही है। वो तो है। आप कब आ रहे हैं ये बताइए। तैयारी कर रहा हूँ, आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। दरअसल बात ये है, राम बचपन से ही पढ़ाई के चक्कर में यहाँ वहाँ रहता आया है। उसे हमारे मंदिर के रीति रिवाज, सिद्धांत, ये सब कुछ नहीं पता। कल होने वाले कार्यक्रम का उसके हाथों से शुभारंभ करवाते। एक बार जब राम पूजा में आकर बैठ जाएगा ना, तो मंदिर के सारे रीति रिवाज, तौर तरीके सब समझ में आ जाएगा। जी ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ बेटी। क्या बात है यार, आज अकेले बुलाकर मीटिंग कर रहे हो? वो मामला थोड़ा अर्जेंट था तो उसे सीक्रेट में बुलाकर मीटिंग अरेंज करवा रहा। तुम्हारे आते काम अधूरा रह गया। बोलो क्या बात है। कुछ खास नहीं, बस एक छोटा सा काम निकला है। मुझे ही करना पड़ेगा क्या? तुम्हें ही करना पड़ेगा। कोई दूसरा ऑप्शन हो तो बताओ ना। ऑप्शन है ही नहीं। ये देखो हमारी बाइक भी रेडी है। किसी को आत्मा से डरा कर लूटोगे और क्या। चलो बैठो, तुम्हारा सारा खेल पता है मुझे। अरे वो सब छोड़ो यार, मेरे साथ गाड़ी में बैठने के लिए दो बार सोचना पड़ता है। आहा, महापुरुष है। ए, देख तो, गाड़ी में जाते हुए भी किसी आत्मा से बात करते हुए जा रहे हैं ये तो। तुम्हें कोई तकलीफ है तो बता दो, मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। महापुरुष है यार, महापुरुष। तो बोलो क्या बात है। और कुछ नहीं, मैं एक्सीडेंट से नहीं मरा हूँ, ये बात मेरे बड़े पिताजी को बतानी है। पर उससे फायदा क्या होगा? देखो, एक्सीडेंट नहीं, मेरा खून हुआ है, ये उन्हें पता चलेगा तो वो मेरी मदद करेंगे, इसलिए। इतना ही? हाँ। ये काम मुझ पर छोड़ दो, बेफिक्र रहो और मजबूती से पकड़ो, कभी कभी भावनाओं में बह के उड़ने लगता हूँ। ओके। क्यों, डर गए क्या? नहीं, हम तो उड़ते हुए आए ना। कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है ये टिंगू। मामी। हे, रुको, कौन हो तुम? हे मुन्ना, इसके लिए मैं हूँ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम थोड़ी है। हेलो, वैसे तो लोग मिलने के लिए मेरे पास आते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे भी स्पेशल अपीयरेंस देनी पड़ती है ना। हेलो भाई। हे, रुक जा। तुम दोनों को स्पेशली समझाऊं क्या? चलो हटो। रुकिए, किनसे मिलना है आपको? तुम जैसे चमचों से बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। जाओ, तुम्हारे भक्त वत्सल को यहाँ लेकर आओ, जाओ। अरे तू क्यों गिर गया मेरे डब्बे? अरे आपने अपना गमछा मेरे पैरों में फंसा दिया। अरे कुर्सी के पाँव की जगह तूने अपना पाँव बीच में क्यों रख दिया? अकल का दुश्मन, जा अंदर जा, जाना चेयर इधर लेकर आ। कौन आया है? कोई स्वामी जी मिलने आए हैं। शेरों का शेर। ए मुन्ना, इतना घमंड क्यों दिखा रहा है तू? जब दमदार करेक्टर करना होता है ना, तो अंदर से घमंड आ ही जाता है। कौन है आप? बताता हूँ बताता हूँ। ए भक्त वत्सल जी को चेयर दो। शिव शिव, बोलो। ए, चले गए सब लोग, बोलो। बोलो बोलो। आप उपेंद्र राज को जानते हैं? हाँ, मेरे बेटे जैसा था, मेरे छोटे भाई का बेटा। वो मर गया ना? 30 साल हो गए। पर कैसे? एक्सीडेंट, ट्रक से टकरा गया था। ए, उन्हें बताओ एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था। ए, तो अपना मुंह बंद रखोगे कि नहीं? वो नहीं, ये नहीं, वो बताओ, ये कहते जा रहे हो? सब बताने के लिए तो यहाँ पर आए हैं। बेकार में दिमाग खा रहा है।
क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। हम लोग देव वंश के गोत्र वाले हैं ना, तो जब ज्ञान ज्यादा बढ़ जाता है तो हम खुद से बंदर की तरह बात करने लगते हैं। अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि आप कह रहे थे कि वो एक्सीडेंट में मारा गया? हाँ। नहीं वत्सल जी, मर्डर था। मर्डर हुआ था? हाँ, उपेंद्र राज का मर्डर ही हुआ था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। देखा, ये बताओ उपेंद्र राज से मिल सकते हो क्या? हाँ जरूर मिल सकता हूँ। अच्छी बात है, आओ मेरे साथ अंदर। हाँ चलो चलो। वो देखो। ए वो मैं हूँ, बोलो। अरे हाँ बोलता हूँ, चुप रहो ना, बेकार बीच में बड़बड़ की जा रहे हो। क्या हुआ? वो क्या है ना, मेरा ज्ञान उछल उछल के बाहर आ रहा है। वही है क्या? वही है। ठीक से देख कर बताओ। अरे कितनी बार भी देख लूं मैं यही कहूंगा कि ये वही है। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे दरवाजा खोलो। बात इसे पता चल गया। दरवाजा खोलो। हे दरवाजे की रखवाली करो। जी मानी। हे वशिष्ठ वीरराज को अभी यहाँ बुलाओ। मेरे दादा के सामने तूने क्या कहा बोल? तुम्हारे दादा को नहीं जानता। तुमने कहा था उपेंद्र राज का मर्डर हुआ था, ये बात याद नहीं तुझे? वो मैंने नहीं कहा था, वो बीच बीच में उसकी आत्मा आके मुझसे बात कर रही थी। क्या कहा? आत्माएं बात करती हैं? हाँ हाँ भाई, सारे गाँव में लोग यही कहते हैं। सुन लिया ना, देखा मेरे फैन फॉलोअर्स क्या कह रहे हैं। तू आत्माओं से बात करता है, किससे झूठी कहानी सुना रहा है? जान ले लूंगा। अरे बाप रे बाप रे, इसने मुझे मार दिया, मुझे मार दिया। तो मेरा टेस्ट लेकर देख लो। चाहो तो मेरा टेस्ट लेकर देख लो ना। टेस्ट कैसे? कैसे अब मैं क्या बताऊं? तुम कुछ ऐसा काम करो जो मैं ना देख पाऊं, मैं उसे बिना देखे बता दूंगा। अब तुम कुछ ऐसा काम करो जो मुझे नजर ना आए और फिर मैं बता दूंगा कि वो क्या है। हां हे हां, उस कमरे में जाओ जाओ। तूने जो कहा अगर वो गलत साबित हुआ तो तेरा भेजा उड़ा दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले हैं हम काले हैं। ए मुन्ना, अंदर वो लोग डांस कर रहे हैं। कौन से गाने पर? हम तेरे चाहने वाले हैं उस गाने पे डांस कर रहे हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। जाकर पूछ रहा हूँ उनसे। बाहर हो, क्या कर रहे थे अंदर? डांस कर रहे थे मालिक। कौन से गाने हम पर? तेरे चाहने वाले हैं। उनसे बोलो कोई दूसरा करे। कोई दूसरा करो। ठीक है मालिक। इस बार क्या कर रहे हैं वो? वो लुंगी डांस वाले गाने पे डांस कर रहे हैं। This is the tribute to Talaiwa. मुझे को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना की जैसा चश्मा लगा। हर हो गई। ये बेवकूफ बना रहा है। एक नंबर का चोकर, चोकर है ये। अभी गोली मार दूंगा इसे। इसे नीचे करो यार, क्या कर रहे हो? अब पूछ रहा हूँ उनसे। पूछो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? लुंगी डांस कर रहे थे मालिक। मैं मान लेता हूँ तुम्हारे अंदर कोई शक्ति है। यस। ए खड़े होके देख क्या रहा है? जा जूस लेकर आ। तुझे तो मैं अभी। अब खैर जाने दे। ए तू जाकर जूस लेकर आ। जी स्वामी जी। चेयर भी लेके आना। आत्माएं आती है और ये उनसे बात करता है। आप इसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं? आ मेरे साथ। जा जा। कुछ राज की बातें हैं जो तुमसे छुपा कर रखी थी, तुम बहुत छोटे थे इसलिए नहीं बताया, उसके बाद बताने का मौका ही नहीं मिला। हाँ। वो क्या है दादाजी? तेरे पिताजी की मौत का रहस्य। उसके पीछे एक लंबी कहानी है। जजमान, परसों महाशिवरात्रि है, याद रहे कल सुबह त्रयोदशी होने से लेकर
रात को त्रयोदशी समाप्त होने तक आपके बेटे और आपके छोटे भाई उपेंद्र राज के बेटे को पूजा पर बैठना होगा। दोनों परिवार के पास जो मंदिर के गहने हैं उसे लाकर शुद्ध करके पूजा में रखना होगा। हम लोग कल सुबह ही मंदिर में आ जाएंगे। मैं ये बात अभी जाकर उपेंद्र राज को बता देता हूँ। देखो जीजू, उपेंद्र राज से उन गहनों की बात करके हम सब मिलकर क्यों ना आपस में बांट ले। नहीं वीरराज, कुल देवता के मंदिर का सारा काम उसने करवाया है। मंदिर के गहनों पर उम्मीद लगाए वो वहीं बैठा है। नहीं देखो, धर्मराज तुम जल्द से जल्द चाबी लेकर मंदिर पहुंचो। मैं और तेरे मामा भी वहां पहुंच रहे हैं। वो चाबी उसके खानदान को खत्म करने के बाद ही मिल पाएगी, इसलिए उनका मिलना जरूरी है। ठीक है स्वामी जी, तब पता चला उस चाबी को उसके वंश के अलावा हमारे परिवार वाले या कोई और भी छुए तो नाग देवता उसकी बलि ले लेगा। कल उत्सव का दिन है, उपेंद्र राज के बेटे को मारकर वह चाबी हमें लेनी है। और ये मेरे काम बेटे को मारो तुम कर सकते हो। तुम मेरे बेटे को मारो, तुम ये करना होगा। उसे किसी भी तरह खत्म कर दो। सारे आभूषण उसकी गाड़ी में रखकर गांव भर में ये अफवाह फैला दो कि वो यहाँ से भाग रहा था। मार डालो उसे। हाँ। ये मंदिर बहुत प्राचीन काल का है और यहाँ लिखा है इसका इतिहास। खास बात ये है कि यहाँ पर एक नाग देवता का वास है। 30 सालों में आने वाला पवित्र जन्म नक्षत्र महाशिवरात्रि के दिन बहुत पवित्र माना जाता है। उस दिन होने वाले शिव जी का महारुद्राभिषेक खुद नाग देवता आकर यहाँ देखते हैं। बहुत अद्भुत दृश्य है वो। आओ देवता के दर्शन कराता हूं। चलिए, भले ही आप यहाँ पर नए हैं फिर भी आप ताला खोलकर गहने निकाल सकते हैं। ठीक है। पति पत्नी को मिलकर भगवान का अभिषेक करना होगा। जी ठीक है पंडित जी। वंदे सूर्य शशांक वैनेनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे जनाश्रयम च, वंदे शिवम शंकरम। ओम नमः शिवाय। कल्याण हो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। चलो। क्या हुआ? रुद्र है, उसकी आत्मा आई हुई है, अनर्थ दिख रहा है। इस घर में पूजा की आवश्यकता है, बहुत खतरा है, पूजा जरूरी है। पंचभूत आवाहनम्, भूत शक्ति आवाहनम्। मंत्र शक्ति मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। ब्रह्म रक्षा सलोभिनी, माई।
राम आ जाओ महामाई महामाई। रुद्रा तेरे पीछे एक बड़ी शक्ति है, कौन है वो मुझे जानना है देखना है। रुको वशिष्ठ, इस वक्त कुछ मत करो, कल उसे हमारे मंदिर में आने दो, अभी उसे किसी तरह वापस भेजो, जाओ। राम 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 चलो उठो उठो चलो जाओ, नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ? राम को मैंने घर भिजवा दिया। रुद्रा 24 घंटे तक मैं इसे बांध कर रख सकता हूँ, डरना मत, मुझ पर विश्वास करो, पूजा समाप्त करके आओ। ये लो, इस पेटी में जो है वो उसके परिवार के लिए बहुत बुरा है, उन्हें बांध दो। रुद्रा काकी माँ आओ आओ बेटा। खुश रहो। पुजारी जी ने इस बक्से में धागा भेजा है, आप सब लोग बांध लीजिए। हाँ हाँ हाँ। राम भैया सब लोग यहाँ आइए। आओ आओ। हाय हाय, कैसे हो राम? हाँ मैं ठीक हूँ, गेटिंग रेडी फॉर द पूजा। गुड, तुम ही बांध लो। ओ सीक्रेट थ्रेड नो वो हाथ। ओ राइट हैंड। किसी भी सूरत में अभिषेक पूरा होने तक इसे खोलना मत। हाँ ठीक है। Come on. शांति पूर्वक पूजा निरंतर। अगर तुम लोग मंदिर के अंदर चले गए तो वो सबसे पहले राम को मार देंगे। पहले उन्होंने मुझे मरवाया था, अब वो राम को मारने वाले हैं। मेरी बात समझो प्रेमा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। प्रेमा वहाँ कहाँ देख रही हूँ? प्रेमा पूजा करते वक्त ध्यान रखना होगा, जब तक वो धागा उनके हाथ में है वो उन लोगों का कुछ नहीं कर पाएगा, वो उनसे दूर ही रहेगा। बड़े पिताजी मेरी बात सुनिए, बड़े पिताजी राम को कुछ मत कीजिएगा, भगवान के लिए कुछ मत कीजिएगा मेरे राम को। शिव शंकरा अभयंकरा विजयंकरा शिव शंकरा अभयंकरा विजयंकरा शिव शंकरा शिव शंकरा अभयंकरा विजयंकरा शिव शंकरा शिव शंकरा अभयंकरा विजयंकरा शिव शंकरा
लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः। अभिषेक कीजिए। दोनों परिवार के लोग जाकर भगवान के गहने और कपड़े ठीक है, ठीक है जी। गाड़ी में डाल दो। छोड़ो, नहीं छोड़ो, ये भगवान की आभूषण है, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। छोड़ो, छोड़ो, नहीं, ये भगवान की अमानत है। इतनी भक्ति है, मुझे ही तू पाठ पढ़ाएगा, ये ले। अब आप लोग मंदिर की परिक्रमा करके जी आप जी, लोग भी जाइए। चलो ले जाओ, ले जाओ मेरे बच्चे को। मत रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। अब तक राम क्यों नहीं आए माँ जी? हे वशिष्ठराज, खत्म करो इसे, सब लोग आ रहे हैं इधर। दीदी सराई से पकड़ो ना। हाँ, मैं जाकर राम को ले लेता हूँ। ठीक है, देर मत करो, खत्म करो इसे। हे मार दो राम। नहीं, रुक जा, मार दो। सीता, ओह गॉड, सीता। दोनों को उठा कर ले जाओ। पति पत्नी मिलकर सारे गहने चुरा कर ले जा रहे थे, अफवाह फैला दो गांव में। ले जाओ इन्हें। इन दोनों को गाड़ी में डाल दो। Hara hara, Dio Chaloka hara.
राम के सर पर मारा उस दर्द का एहसास नहीं तुम्हें? मैं एहसास कराता हूँ, मैं एहसास कराता हूँ। सवाल मत करो, इसे लेके जाओ, मुहूर्त निकल जाएगा, जल्दी से जाओ। ठीक है, चलो चलो, खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, जल्दी से जाओ। She's all right, माँ। चिंता की कोई बात नहीं है। ये सब हो क्या रहा है? कुछ दिनों से ये सब क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाथ में बंधा हुआ धागा खुलने के बाद कंप्लीटली ब्लैंक हो गया था मैं। मुझे कुछ भी याद नहीं है। राम? सचमुच मेरे बच्चे की जिंदगी बचा दी। I'm so lucky, सीता। I'm very lucky too. देखा, दोनों में प्यार करवा दिया ना, लेकिन अभी भी इन दोनों को हमसे प्यार सीखने की जरूरत है। हमारा नाम रोशन करेंगे। उपेंद्र राज, सूर्यास्त का समय हो गया है, अब तुम्हें लौटना होगा। छी 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 छी, ये क्या है प्रभु? उस दिन उपेंद्र राज ने ना कहा तो जा जा कह के भेज दिया, आज वो वहाँ आराम से खुशी से जी रहा है, तो आप उसे आ जा कह रहे हैं, ये कौन सा न्याय है? भेजने वाला मैं कौन, बुलाने वाला मैं कौन, सब वो शिव की इच्छा है। आप जाइए उपेंद्र, आपके जाने के बाद मैं इस नरक में रोज
बस तड़प तड़प कर जी रही थी, लेकिन आपके आने के बाद आप और मैं हमेशा साथ मिलकर रहेंगे यही सोच रही थी। मुझे हंसाया, मुझसे बातें की, मेरी झोली खुशियों से भर दी। अब मुझे छोड़कर जा रहे हैं, ये अन्याय है उपेंद्र। ऐसी हंसती रहो, तुम हंसती रहती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। थोड़ा सा हंसो, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, तेरे की नहले पे तहला मारो, यही यही तेरी हंसी, कोई और नहीं हंस सकता है। सुन, देख तुझे मेरी कसम, तू हमेशा ऐसी ही हंसती रहना, वादा करती है ना? Da-d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 a